जय माता दी जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? चलो जय माता दी करो भाई। जय माता दी गाइस, कैसे हो गाइस? इधर देख के बोलो भाई। जय माता दी गाइस, जय माता दी। कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल वेलकम टू माय गाइस। और बताओ भी, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम बताया तुम्हारे को मम्मी ने? मटर छीलने, गाजर करोड़ने इसको डेली लगी है, इसको ही आई है गाजर का हलवा खाने। नहीं तो इसको गाजर का हलवा खाना है, तो फिर मैंने बोला भाई जी जिसको जो जो खाना है। नहीं नहीं, ये मेरी ना हेल्प करवा रहे हैं सच्ची। नहीं में। नहीं, सन्नी की जिद देता पड़ रहा है, नहीं तो नहीं। तो चलो भाई, जिद्दी है चाहे किसी काम तो कर रहा है ना। अब लोग बोल देखेंगे भी काम कर रहा है, नहीं तो बोलते हैं इसको काम नहीं करता बेचारा। किसी की इच्छा नहीं है खाने की अभी। और सर मैं बस बात कर रहा हूँ आपको, कोई ना जिसकी इच्छा नहीं हो रहने देगा खाना है। बस बात कर, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखो मैंने लहसुन यहाँ पे, ये मटर, आलू मटर बनाएंगे हम, गाजर बनाएंगे। आज का जो डिनर है वो होने वाला है खास, गजरेला, आलू मटर, चावल, फूल के। तो मत खाना भाई, सुबह गाजर खाने को मेरे को अच्छा लगता। तेरे को नहीं लगता तो इसका मतलब ही नहीं है कि किसी को भी लगता नहीं है, हमारे को तो अच्छा लगता है। दुनिया में 1% बंदे जिनको नहीं लगता अच्छा लगता। गाजर का हलवा सबकी गाजर का हाँ नहीं, तो ये देखिए जिसको आप देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। महाकाल दस रहा, महाकाल महाकाल नहीं लुको ना, ये तो भगवान है। नहीं तो ये देखो भाई, यहाँ पे गाना सुनाओ, एक दोनों जने भाई सानू सुनाओ गाना ना। नी है सानू भाई बड़ी बारी भारी गाने जाता सानू, प्लीज सानू करने सानू प्लीज, कोई भी सुना दे, आप तेरा साथ देंगे बोल। सचिन ठाकुर सुनता है करने, जो चलिए हमारे शानू से सुनिए, बहुत ही प्यारा सा गाना करने राना। और सनी हनी तय वाह वाह करने का गाना गा रहा है, बहुत। ये देखो किसी अच्छे से आप बोलते हैं कि सनी काम नहीं करता, भाई देख लो आज सनी को काम करते हुए सभी। ठीक है काम नहीं नहीं, अरे वो हो रहा थे, इतना आगे थे नहीं मैं, अरे छुरी टेढ़ी जा हुई, कितना करता बेकार के। और सुना ना बुढ़ी दस नहीं सोते जे राणे ओ राती सुपना जे होया गाजी कुल्ला लड़ रहे। अरे पता है मैं किसी दिन ना, आप बोलते है ना भाई कितने अच्छे, मैं इनकी लड़ाई देखो इतनी सीरियस लड़ाई होती है ना इन दोनों की, मैं देखू इतने लड़ते ना मेरे को, और मेरे को सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग नहीं होता, और मेरे को सबसे ज्यादा दुख होता है जब आपस में लड़ते हैं। मेरे दुख कर बस काफी आलू दे रहे। तो आलू का करते हैं अभी हम, देखो कितनी सारी सब्जियां लेके आए थे, मेरे को भी रखेंगे अभी, सारी सब्जियां लेके आए थे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। जे राणे सुपना जे हो, ये भी आलू छिले जा रहे। पता है आलू जो है ना, इनका छिलका हाथ से निकल जाता है, इनमें छिलका ही नहीं होता। ये देखे तेज आया नहीं, देखना नहीं है ना, ये छिलका भी, ये देखो ये आलू है, बस इतना बारीक छिलका है इनका। ये देखो बड़े अच्छे आलू है, पता है ऐसे निकलता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये कूट रही हूँ, ये कर रहा है, पूरी फैमिली खाना बनाने में लगी है। दे दे। तो मेरा काम ही कूटने का, दे माँ। माँ रुक 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 रुक। लो अब इस लड़के ने ना मेरे से ले लिया, अभी ये काम मैं करूंगा। ही है जुंदा है जनाब, ओ कर लू, और कितने दिन में देखो कितने, और ये देखो कितने, और थोड़ी देर इतना पोर्शन नहीं काट अभी, चटपटी सब्जी तू ही खाना नहीं, यहाँ से खाई लू तेरे नस्त। ये देखिए
यहाँ पे अच्छा पहले गजरेला ना बाद में बनाती हूँ, गजरेला पहले ना आलू मटर को मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो कुछ लोग बोलते बोलेंगे मतलब कि मतलब आप एक ही तरह से बनाते हो कि तू तड़का तो भाई एक ही तरह से लगता है। हाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है जरूर। डाल दी मैंने मेथी और ये डाल दी मैंने धनिया और ये डाल दी मैंने तीनों चीजें खड़ा मसाला जो है कि है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट। और ये डाल दिया मैंने प्याज, बच्चों ने काफी हेल्प करी आज। तो ये हो जाता है ना देखो थोड़ा थोड़ा काम अगर सारे मिल बांट के करें ना ऊपर, बस वो कभी कभी करते हैं और लड़ते हैं भाई बहुत है, ये इनकी बहुत समस्या है, बहुत लड़ते हैं आपस में छोटी छोटी बात के पीछे। बहुत बोलती हूँ मैं कि मत लड़ा करो, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं अभी लड़ते हैं फिर बाद में ना मिलने को भी तरस जाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज। तो चलिए प्याज हमारा हो चुका है और यहाँ पे देखो कुंडी में मैंने मसाला कूटा हुआ है। तो लिखती हूँ इसको हल्का जैसा ही करना है। ये डाल देंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च और अपने ये और कुंडी का पिस्सा होना बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी मतलब चॉपर वगैरह से बहुत कहीं ज्यादा अच्छा होता है। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि सिटी दिलवाएंगे हम। चलिए इसको मसाले थोड़ी देर बाद, टमाटर नहीं लाऊंगी मैं इसमें। तो बस हो गए हमारे मसाले भी और अभी डालते हैं हम इसमें हल्दी वगैरह जो भी पड़ेगी, हल्दी नमक स्वाद अनुसार और थोड़े से मसाले। तो ये देखिए और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने आलू मटर, मैं इकट्ठे डाल रही हूँ। मेरा भी खराब थी, बच्चे चले गए अंदर पढ़ने। ये देखो अब इनको हम थोड़ा सा राड लगने देंगे, ढक्कन रख देंगे इनके ऊपर। ढक्कन रख दिया, अब दो मिनट ऐसे ही पकाएंगे इनको। तो ये देखिए थोड़ा सा अब मैंने इसमें क्या किया, जब इसमें मैंने घोला है एक चम्मच बेसन का और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है अब पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए होता है, तो गर्म पानी डालना है और बस अब ढक्कन लगा देंगे, बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने गजरेले के लिए रख दिया है और आज इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, अभी कुछ है भी नहीं ऐसा जो ड्राई फ्रूट वो मैंने एक दिन पीस दिए थे जिस सूंड बनाई थी हमारे साथ। तो ये मैंने यहाँ पे दो इलायचियाँ डाल दी है और इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है गजरे गजरे लगे, दो तीन काटी गाजर बस ज्यादा नहीं, अभी मेरा मूड भी नहीं था इसे बनाने का। और ये मैंने इसमें घी में थोड़ी सी सौंफ डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ये देखो ये यहाँ पे हमारी सौंफ हो गई है और सब्जी बस तैयार होने वाली है। तो बस अब डाल दूंगी मैं इसमें गजरेला, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो बस अभी हम इसको ऐसे ही पकने देंगे।
और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, ये पानी अपने आप छोड़ेगा। बस इसमें मैंने थोड़ी देर बाद डालना है कुछ। ढक्कन रख दिया तो अभी मैंने इसमें 2-3 चम्मच काजू बादाम गिरी ये सारा कुछ पिसा हुआ था इसमें पहले डाल दिया था, पहले वीडियो ऑफ थी, सॉरी कैमरा पाउज था। तो अभी डाल दूंगी मैं इसमें दूध। तो अभी हम इसको पकाएंगे दूध में, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। आई गया हूँ बैठने। तो ये देखो गैस कर देंगे धीमी, और इधर हमारे आलू मटर भी हो चुके हैं क्योंकि काफी चीटी आ चुकी है। अभी चीनी भी पानी छोड़ेगी तो ये देखिए इसका ना बहुत प्यारा जो ये आया हुआ है, ये देखो पूरे एक मिनट में, ये देखो बहुत ही अच्छा इसका बहुत ही अच्छा पका है ये, और इसकी खुशबू भी ना बहुत अच्छी आ रही है। बस एक एक कॉली हो जाएगी सबके लिए। ये तो शानू ने बोला नहीं तो हमने तो बनाना भी नहीं था। ये देखो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। और आज की जो वीडियो थी वो क्या बोलते हैं बस यही थी कुछ फनी, और सबने दिखाना ये मकसद था कि देखो करते हैं बच्चे भी कभी कभी हेल्प पर दिमाग बहुत खराब करते हैं इनके काम से, तो अकेले काम करना भला, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं, बहुत आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते लड़ते ही काम करते हैं। और तो वीडियो को क्या करना है, लाइक 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 कर दिया करो, लाइक लाइक इस तरह से ना उसको टच करना, प्रेस करना, छूना है तो हो जाएगा लाइक। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। माता रानी से लास्ट में हमेशा आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आप स्वस्थ रहें, आपको कोई भी बीमारी हो भगवान उस बीमारी को दूर करे, आपके बच्चे कामयाब हों, आपके बच्चों के रिश्ते अच्छे घर में हो, और आप स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें। मेरी यही सदा से प्रार्थना होती है सबके लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मुझसे कोई गलती हो जाती है वीडियो में माफ करना, मैं अभी कोई इतनी वो नहीं हूं क्योंकि रियल लाइफ दिखाते हैं आपको, तो उसमें तो गलतियां हो जाती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। तो ब्लॉगिंग का यही अर्थ है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, बस जो होता है ओरिजिनल होता है, रियल होता है, ठीक है, रील नहीं होती, रियल होता है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, फटाफट से। और अभी के वीडियो की शुरुआत, जो अगले चैनल की वीडियो आएगी वो अभी से शुरू होगी। और जय माता दी, राम राम।